हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नई सीरीज जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। ये सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 24 मिनट से लेकर 28 मिनट्स के बीच में। ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है देवी। उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है और उसके लाइफ में और भी ट्रेजेडीज हुई, तो इसलिए अब वो चाहती है कि उसके लाइफ के आने वाले दिन थोड़े अच्छे गुजरे, इसलिए वो स्कूल तो जाती है। स्कूल जाने के बाद उसको और उसके फ्रेंड्स को बाकी के स्टूडेंट्स को UN करके बुलाती है, यानी कि अनफकेबल नट्स। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, तो इसलिए वो डिसाइड करती क्यों ना वो भी एक बॉयफ्रेंड बना ले और उसके साथ सेक्स कर ले। तो उसके बाद क्या होगा, सारे लोग उसको कूल करके बुलाएंगे। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए, सीरीज जब शुरू हुई तो मुझे लगा यार ये ठीक ठाक है, नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता गया वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने इतनी ज्यादा टीनेज ड्रामा देख चुका, लेकिन ये सीरीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है बहुत अच्छी और एपिसोड की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं है। एपिसोड की लेंथ अगर ज्यादा बड़ी होती तो आपको बोर होता, लेकिन यहाँ पर 24 मिनट, 28 मिनट, 22 मिनट के एपिसोड देखने मिलते तो आप इंटरेस्ट लेके सीरीज को देखते हो। उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई जिस लड़की ने यहाँ पर रोल प्ले किया देवी का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पागल बने का रोल प्ले करी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर देवी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और देवी और उसके दोस्तों के साथ उसकी क्या नोकझोंक चल रही है, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरह देखने मिला। साथ यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर जैसे कमला हो गया, बैन हो गया, पैक्सटन हो गया, इनकी लाइफ में भी क्या क्या चल रहा है, ये भी आपको इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरह से बताया गया। साथ साथ यहाँ पर इस सीरीज में इंडियन कल्चर को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, जैसे NRI लोग आरती कैसे करते हैं, जो मर जाता था उसकी अस्थियां विसर्जित कैसे करते हैं, साथ साथ इंडियंस की आपस में क्या नोकझोंक होती वो भी बताया गया। तो बेसिकली ये सीरीज में हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बहुत कुछ देखने मिला। प्लस यहाँ पे जो देवी का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है, मतलब बबली किस्म की लड़की, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर तो करना चाहती है मगर उसको नॉलेज कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस सीरीज में कैमरा वर्क आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि मेरे हिसाब से सीरीज आपको देखना चाहिए। एक लाइट सिंपल रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो शायद आपको पसंद है, जो इस तरीके के शो अच्छे लगते हैं। ये अगर आप बहुत जबरदस्त इंटेंस सीरीज देख के उठे हो अभी जस्ट और आपको ऐसा लगता है कुछ लाइट सीरीज देखना, तो आपके लिए ये सीरीज बिल्कुल भी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सीरीज आप अपनी फैमिली साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद फैमिली ऑडियंस को पसंद ना आ सके। तो यार बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेखर, आप सब आपके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। टिल देन।